जॉब न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में निकाली गई जॉब DRDO अप्रेंटिसशिप जॉब, इसकी हम जॉब अपडेट दे चुके हैं, लेकिन एम्प्लॉय न्यूज़ पेपर में नोटिफिकेशन आया तो दिया। अपडेट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्नातक अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत की BSC मनाली में है, 9,000 मंथली पेमेंट रहेगी। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप चंडीगढ़ मनाली, 8,000 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा। ITI कोपा, ITI हार्डवेयर, ITI ड्राफ्टमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर चंडीगढ़ मनाली। लोकेशन आपको चंडीगढ़ मनाली दी गई, तेजपुर भी दी गई है, चंडीगढ़ तेजपुर। अधिक जानकारी के लिए आप www.drdo.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट हम पहले मेंशन कर चुके हैं DRDO अप्रेंटिसशिप जॉब में। नेक्स्ट जॉब रहेगी आपकी ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट, ये कहाँ कोलकाता में रहेगी। कुक, वाशरमैन, बारबर, स्वीपर और मैनेजर। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, कुकिंग के लिए मैट्रिक 10वीं पास मांगी गई है, वाशरमैन के लिए 10वीं पास। एक्सपीरियंस कुकिंग का वो तो ऐसे ही बन जाता है, बारबर इसमें एक्सपीरियंस ट्रेड मांगी गई है, सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैनेजर में भी। डिप्लोमा कंप्यूटर गुड टाइपिंग, मैनेजर के लिए टाइपिंग मांगे, स्पीड नॉलेज। एज 18 से 25 ईयर है, एज 18 से 25 ईयर। स्टार्टिंग डेट से 30 ये दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एम्प्लॉय न्यूज पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट जॉब रहेगी कृषि एवं विकास किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। डेट आप 27 अगस्त, इसकी जो नोटिफिकेशन दी गई थी 27 अगस्त। सैलरी अच्छी खासी है, 25,500 से 81,100 रुपये रहेगी पेमेंट आपकी। वैकेंसी एक है, वैकेंसी क्या है, कार ड्राइवर। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर दी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और अधिक जानकारी www.agricoop.nic.in पर या kisankrishivistar.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब रहेगी आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी लोकेशन रहेगी आपकी जो रहने वाली है असम। लोकेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड की लोकेशन रहने वाली है असम। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ड्रिलिंग, पोस्ट एक रहेगी, SC1। पेमेंट अच्छी खासी रहेगी, 80,000 से 2,20,000 पेमेंट रहेगी। एज अपर एज 37, पोस्ट आप देख सकते हैं, पेमेंट 80,000 से 2,20,000 तक इसकी पेमेंट जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लिंक एम्प्लॉय न्यूज पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट जॉब रहेगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये इसका हम जॉब अपडेट दे चुके हैं। में आपका स्वागत है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप 2021, स्टार्टिंग डेट रहेगी 6/10/2021, लास्ट डेट रहेगी 5/11/21, पोस्ट 22/6, लोकेशन UP, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये, जनरल OBC के लिए एज 15 से 24 ईयर, एज रिलेशन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। AMD रिक्रूटमेंट 2021, AMD का फुल फॉर्म है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर। ऑनलाइन फॉर्म 2021, स्टार्टिंग डेट रहेगी 9/10/2021, लास्ट डेट रहेगी 24/10/2021, पोस्ट 1 से 24 रहेंगी, एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EW के लिए 200, ST SC के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, एज 18 से 30 ईयर,
क्वालिफिकेशन 10वीं ITI बैचलर डिग्री BSc इलेक्ट्रीशियन और रिलेटेड ट्रेड के अनुसार क्वालिफिकेशन मांगी है। अधिक जानकारी के लिए आप www.amd.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। जॉइन इंडियन आर्मी में निकली जॉब, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं और ये रियल जॉब अपडेट होती है। ये हम एम्प्लॉय न्यूज़ पेपर ये वेबसाइट भी दी गई है, आप देख सकते हैं। ये www एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर government.in पर शॉर्ट सर्विस कमीशन टीच 58 कोर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टीच वुमेन 29 कोर्स शेड्यूल इन अप्रैल। एप्लीकेशन आर फॉर्म 28 सितंबर टू 27 अक्टूबर 2021 तक फॉर्म डलेंगे। सेना भर्ती में पूर्णतः पारदर्शिता मुक्ति, दलालों से सावधानी मुख्य पॉइंट है। अधिक जानकारी के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पोस्ट ऑफिस में निकली जॉब, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 72 वैकेंसी लेवल 4 पे 25,500 से 21,100 रुपये। क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास मांगी गई है। पोस्टमैन की 90 पोस्ट हैं, 21,700 से 69,100 रुपये, 12वीं पास इसमें ही मांगी गई। मल्टी टास्किंग स्टाफ 59 पोस्ट 18,000 से 56,900, 10वीं पास मांगी गई है। आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्म पोस्ट ऑफिस से डालना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट रहेगी 12/11/2021। अधिक जानकारी के लिए आप www.indianpost.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी में वेबसाइट दी गई है।